गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कॉस्टिंग की, ओवरहेड्स की, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़े। डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव थ्री डिपार्टमेंट विच आर रिकॉर्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, कॉस्ट। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग द स्टेप लैडर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। Estimates of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows. Data required दे रखा है is also okay. तो ये तीन department हैं, चार service departments हैं, इनके खर्चे दे रखे हैं, इनके allocations के दे रखे हैं। The overhead cost of four service department are distributed in the same order, that is P, Q, R, S, on the following basis. Now you are required to prepare a schedule showing the distribution of overhead cost for four service department to the three product department and calculate the overhead recovery rate. Okay, so इन्होंने एक लाइन बोल दी है, इन द सेम ऑर्डर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऑर्डर का मतलब है P, फिर Q, फिर R, फिर S। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लिखेंगे नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, और मेथड कौन सी है, स्टेप लैडर। यहाँ अमाउंट पर्टिकुलर्स लिख दें, ये है पी क्यू आर एस और ये है हमारे एक्स वाई जेड। ठीक है जी, जो हमारे ओवरहेड के खर्चे हैं वो क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये 45,000 है, ये 75,000 है, ये 1,05,000 है, ये 30,000 है, ये 193 है, ये 64 है, ये 83 है। ठीक है नहीं? अब जो पी है वो बढ़ जाना है नंबर ऑफ एम्प्लॉई की बेसिस पर, तो पहले P को बांटो। तो P's को ठीक है, P के ओवरहेड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है हमारे वो है P से निकलेंगे 545। तो अगर मैं 25 का रेशियो लूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 100 एंड 125, 225 एंड 225 प्लस 85 दैट इज़ 310 प्लस 140, तो ये हो जाएंगे 450। ठीक है, सो रेशियो यही ले लें बांटने के लिए। ये 45,000 यहाँ से तो कम कर देंगे और इसमें बढ़ जाएंगे, ये आ जाएगा 5,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12,500, 8,500। याद है एम्प्लॉइज कितने थे, इस रेशियो में बांट दिया हमने। ठीक है जी, इसके बाद क्यू के ओवरहेड्स अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्यू के हो गए 80,000, तो ये पूरे 80,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब किस रेशियो में जाने हैं, क्यू के माने डायरेक्ट लेबर आवर्स में, सो डायरेक्ट लेबर आवर्स अब 6,000, 3,000, 4,000, 4,000 इस रेशियो में बनेंगे, तो यानी कि 24,000, 12,000, 16,
12 16 6 3 4 3 4, ठीक है जी। अब आर के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो आर के क्या यहाँ तक हुए हैं 128 133। स्टेप एंड लैडर में एक एक नीचे उतरते जाएंगे। अब ये बटने हैं हमारे आर के बटने एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो 1000 3000 1500 1500 1000 3000 1500 1500, तो 19000 57000 28500 28500 6 3 3 2, ये आपका फाइनली रेशियो बना। एंड लास्ट में बांटेंगे हम एस के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस के यहाँ पर हो जाएंगे 66000, और वो बटेंगे किस रेशियो में, डायरेक्ट लेबर आवर्स में। तो डायरेक्ट लेबर आवर 4:3:4 है, तो बांट दीजिए ये आ जाएंगे 24000 18000 24000, 4 3 4, यहाँ पे जो टोटल खर्चा आएगा वो 3,01,35,000 1,60,000, ये हमारे अब टोटल ओवरहेड्स आ गए, ठीक है जी। जो आपके लेबर आवर दे रखे हैं वो यहाँ पर 4000 3000 4000, तो जो ओवरहेड का रिकवरी रेट आएगा वो यहाँ पर आएगा 75 रुपीज़ 45 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, ठीक है जी। चलिए समझ में आ गया, ये आपका स्टेप एंड लैडर मेथड था। ये भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्ज़ाम में, अगर आपने एक बार कर रखा है तो आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।